आजकल WhatsApp पर इतने मैसेजेस आते हैं कि उनका उसी समय पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो आपके WhatsApp पर आपका टाइम स्टैम्प देख लेते हैं और पूछते हैं जवाब क्यों नहीं दिया। ऐसे में क्या कोई तरीका है जिससे हम ये छुपा सकें कि हम आखिरी बार ऑनलाइन कब थे? इस वीडियो में हम सीखेंगे कि WhatsApp पर आप अपना टाइम स्टैम्प कैसे छुपा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले देखते हैं कि टाइम स्टैम्प है क्या। WhatsApp में एक फीचर है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स WhatsApp पर ऑनलाइन आखिरी बार कब थे। आइए देखते हैं। ये WhatsApp पर क्लिक करके इसे खोल लिया। अब यहाँ पर देखिए, किसी कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देते हैं। आप एकदम यहाँ ऊपर देखें तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लास्ट सीन टुडे एट 18:04। इसका मतलब कि ये कॉन्टैक्ट आज आखिरी बार 6:04 पर ऑनलाइन थे WhatsApp पर। कोई और कॉन्टैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट। यहाँ पर देखिए, ऊपर कोई टाइम स्टैम्प नहीं है, इसमें दिख नहीं रहा कि ये आखिरी बार ऑनलाइन कब थी। ये कैसे हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ आप नीचे इस बटन पर क्लिक करिए और फिर अपनी सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में अकाउंट है, अकाउंट पर क्लिक किया और सबसे ऊपर है प्राइवेसी, तो प्राइवेसी पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हु कैन सी माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर लास्ट सीन का एक फीचर है, इस पर क्लिक कर देते हैं। और अब आप यहाँ पर अपनी सेटिंग बदल सकते हैं। इसमें आपके पास तीन विकल्प हैं। आप चाहें तो इसको सार्वजनिक कर सकते हैं, यानी कि कोई भी देख सकता है कि आप आखिरी बार ऑनलाइन कब थे, या फिर आप माय कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे बिल्कुल गुप्त रख सकते हैं और नोबडी पर भी क्लिक कर सकते हैं। बस आपकी सेटिंग बदल गई। अब आप भी ये गुप्त रख सकते हैं कि आप आखिरी बार ऑनलाइन कब थे, अपना टाइम स्टैम्प WhatsApp पर छुपाकर। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।